हेलो दोस्तों और हमारे प्रिय छात्रगण, मैं समझता हूं आपकी पढ़ाई इस लॉकडाउन में और इस कोरोना के बीमारी के जूझते क्रम में पढ़ाई आप अच्छी तरह से कर रहे होंगे। एक बार फिर स्वरूप सर की ओर से ज्योग्राफी के सोलर सिस्टम में आपका स्वागत है। छात्रगण, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है और उस चैप्टर का नाम है सोलर सिस्टम, सौर्य मंडल। छात्रगण, नाम से जाहिर है सौर्य मंडल, सोलर सिस्टम। इसकी एक परिभाषा है सूर्य और सूर्य के चारों ओर विभिन्न प्रकार के ग्रह, दैट मीन्स प्लैनेट्स, आसपास बौने ग्रह, दैट मीन्स प्लूटॉन्स, आसपास लघु ग्रह, दैट मीन्स क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, घृणिकाएं, दैट मीन्स कमेट्स, एस्टेरॉइड्स, उपग्रह, सेटेलाइट को मिलाकर ही सौर मंडल के नाम से पुकारते हैं और इन सब का एक सम्मिलित रूप ब्रह्मांड भी कहते हैं। तो छात्रगण, सौर मंडल क्या है? तो उसका उत्तर होगा सूर्य और सूर्य के चारों ओर स्थित विभिन्न प्रकार के ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, बौने ग्रह इत्यादि को ही सौर मंडल के नाम से पुकारी जाती है। अर्थात सूर्य ही ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का फादर है। इसीलिए तो सूर्य को फादर ऑफ सोलर सिस्टम, सूर्य को ही ब्रह्मांड का पिता के नाम से पुकारी जाती है। छात्रगण, इस सोलर सिस्टम में जितने ग्रह, उपग्रह, बौने ग्रह, स्मॉलर ग्रह, स्मॉलर जो पिंड हैं, बॉडीज हैं, उन सभी को तीन भाग में बांटे गए। एक परंपरागत ग्रह, परंपरागत दैट मीन्स क्लासिकल और ट्रेडिशनल प्लैनेट्स, जैसे यहां देखिए समस्त सौर मंडल के परिवार को तीन भाग में बांटा गया। एक ग्रह में परंपरागत ग्रह, क्लासिकल प्लैनेट दैट मीन्स बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को एक कैटेगरी में रखें। सौर मंडल के दूसरा पार्ट है बौने ग्रह, प्लूटॉन्स, जैसे सेरस, जीना, इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे हैं जैसे चिरॉन इत्यादि को बोला गया बौने ग्रह। नंबर थर्ड है लघु ग्रह, स्मॉलर बॉडीज, इसमें क्या चीज आएगा? क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स, उल्कापिंड, कमेट्स, पुच्छल तारा, उपग्रह, धूमकेतु, कमेट्स इत्यादि को माना गया है लघु ग्रह। तो छात्रगण, सौर मंडल के सभी बॉडीज को तीन भाग में बांट दिए, ग्रह में, बौने ग्रह में, क्षुद्र ग्रह में, और एक तो ऑलरेडी पहले से ही है सूर्य, मतलब सूर्य और उसके आसपास स्थित ग्रह, उपग्रह, बौने ग्रह और लघु ग्रह, स्मॉलर बॉडीज जो हैं, उसे ही सौर परिवार, सोलर फैमिली या सौर मंडल के नाम से जाना जाता है। तो छात्रगण, इस सौर मंडल को हम लोग चार पार्ट में पढ़ेंगे।
स्पेशल टॉपिक चलेंगे हम लोग नंबर ए सूर्य पर, फिर आएंगे ग्रह पर, फिर आएंगे बौनी ग्रह पर दैट मीन्स प्लूटॉन्स पर, और फिर आएंगे नंबर डी में स्मॉलर बॉडीज पर। इस स्मॉलर बॉडीज में ही आएगा, इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्षुद्र ग्रह, वे एस्ट्रॉइड्स, पुच्छल तारा, कॉमेट्स और उपग्रह, उल्का पिंड का अध्ययन करेंगे लघु ग्रह में। और ग्रह में आठ ग्रहों का अध्ययन करेंगे कि आठ ग्रह कौन कौन है, उसकी क्या विशेषता है। बौने ग्रह में भी कुछ पिंड का अध्ययन करेंगे और सबसे मुख्य है सूर्य। इन ए बी सी डी चार भागों में बांटकर हम सौर मंडल का अध्ययन करेंगे। छात्रगण, छात्रगण आज कई टॉपिक है और वो टॉपिक है सन, सूर्य। जैसा कि आपको ज्ञात है, किसे ब्रह्मांड का जनक पिता कहते हैं, तो उसका उत्तर होगा सूर्य। सूर्य को फादर ऑफ सोलर सिस्टम, ब्रह्मांड का पिता के नाम से पुकारी जाती है। और ये सूर्य जो दहकता हुआ एक आग का गोला है, जो 71% लगभग हाइड्रोजन गैस से भरा पड़ा है, उसके पश्चात हीलियम गैस का भी भरा पड़ा है और कुछ में अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। यह जो सूर्य है, जो दहकता हुआ एक आग का गोला है, इस सूर्य के केंद्र को, इस भाग को, ये जो भाग है, इस भाग को बोलते हैं क्या, क्रोड के नाम पुकारते हैं, क्रोड। छात्रगण, क्रोड कहां है, तो सूर्य के एकदम केंद्र में है, और इसी केंद्र में हाइड्रोजन यहां पे होता है नाभिकीय संलयन, जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। और वही अपार ऊर्जा इस पृथ्वी के ऊर्जा का एक सोर्स है, एनर्जी का सोर्स अगर कोई है तो हमारा सन है। तो अपार ऊर्जा कहां बनती है, कहां निकलती है, तो उसका उत्तर होगा क्रोड से। हाइड्रोजन हीलियम में होता है परिवर्तन, जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। इसी अपार ऊर्जा से पृथ्वी पर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसे, इस ऊर्जा को नाभिकीय संलयन के नाम से पुकारी जाती है। क्रोड के पश्चात जो एक घेरा है, उसे संवाहक घेरा, संवाहक घेरा के नाम से ही पुकारते हैं छात्रगण। संवाहक घेरा कहने का अगर कोई अर्थ है, तो उस संवाहक घेरा को ही अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्वेक्टिव लेयर्स। तो कॉन्वेक्टिव लेयर्स क्या है, तो जस्ट क्रोड के बाद का घेरा है। इसी कॉन्वेक्टिव घेरा वगैरह से जो ऊर्जा निकलती है, उसका संवहन किससे होती है, प्रारंभ होती है, तो उसका संवहन इसी घेरा से ही संपन्न होना प्रारंभ होता है। थर्ड लेयर है, इस दूसरी लेयर जो सेकंड लेयर है, उसके बाद अगर कोई घेरा है, को नाम दिया गया है फोटोस्फीयर। उसे फोटोस्फीयर के नाम से पुकारते हैं छात्रगण, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्रकाश मंडल। ये थर्ड लेयर है प्रकाश मंडल, इसे फोटोस्फीयर के नाम से ही पुकारते हैं छात्रगण। तो पहली केंद्र वाली भाग को बोलते हैं क्रोड,
जहां से ऊर्जा मुक्त होती है। उस कोट के पश्चात शवा गिरा, कन्वेक्टिव लेयर्स बोलते हैं उसे, जहां से जो ऊर्जा बनती है इसी से संवहन होती है। उसके बाद तीसरा परत है, तीसरा जो एक घेरा है उसे बोलते हैं प्रकाश मंडल, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं फोटोस्फेयर के नाम से पुकारी जाती है। यहां से भी किरणों का विकिरण संभव होता है। और देखा जाए तो छात्रगण, ये जो प्रकाश मंडल है, तीसरा जो भाग है, यही प्रकाश मंडल है जो सूरज के व्यास को मापने का एक आधार है। जैसे सूरज का डायमीटर कितना है तो 14 लाख किलोमीटर, ऐसे तो एग्जैक्ट इसका व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। 13,92,000 किलोमीटर, 13,92,000 किलोमीटर इसका व्यास है। लेकिन वो व्यास कहां से नापी जाएगी? तो छात्रगण उसका उत्तर होगा फोटोस्फेयर से, क्रोम फोटोस्फेयर से, प्रकाश मंडल से ही इसकी सूरज की डायमीटर निर्धारित की जाती है। सूरज का व्यास कितना है तो लगभग 14 लाख किलोमीटर का व्यास है, एग्जैक्ट है 13,92,000। इतना बड़ा व्यास मतलब पृथ्वी का 109 टाइम्स गुना बड़ा है। कौन? सूरज। तो छात्रगण सूरज का व्यास कितना है तो उसका उत्तर होगा 14 लाख किलोमीटर। 14 लाख का व्यास मतलब पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है तो उसका उत्तर होगा छात्रगण 109 गुना बड़ा है। अब छात्रगण प्रकाश मंडल के बाद जो एक लेयर बनती है, एक परत दिखाई पड़ती है, यदि वो परत सूरज ग्रहण के समय ही दिखाई पड़ती है, मतलब ये वाला भाग, इसे बोलते हैं वर्ण मंडल, इसे अंग्रेजी में क्रोमोस्फेयर, इसे इंग्लिश में अंग्रेजी में क्रोमोस्फेयर के नाम से पुकारती है। और छात्रगण ये क्रोमोस्फेयर का इलाका हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ है और इसकी जो कलर है एकदम दमक लाल, दैट इज बोल सकते हैं ब्राइट पिंक फ्लैश की है, दमकती हुई लाल दिखाई पड़ती है, जो मुख्य रूप से यह सूरज ग्रहण के समय ही दिखाई पड़ती है। ये पहली क्रोड, सेकेंड सवा घेरा, थर्ड प्रकाश मंडल और चौथा होता है वर्ण मंडल। और जब लगती है सूर्य ग्रहण तो सूर्य ग्रहण के बाद पश्चात जब लगती है सोलर इक्लिप्स तो उस दौरान एक आभा बनती है और वो आभा जो जिससे निकलती है एक किरणें एक्स किरण उसे बोलते हैं कोरोना, इसे कोरोना के नाम से पुकारते हैं छात्रगण। छात्रगण आप ये देखिए कि देखा जाए तो सूरज के स्ट्रक्चर को मुख्य रूप से 4 से 5 भाग में बांट सकते हैं। पहला क्रोड जिससे निकलती है और ऊर्जा जो हाइड्रोजन बन जाती है, हाइड्रोजन के संलयन से होती है हीलियम का परिवर्तन जिससे अपार ऊर्जा निकलती है, वो क्रोड से ही संभव होती है। क्रोड के पश्चात जो घेरा है उसे बोलते हैं शवा घेरा, करेक्टिव लेयर्स जिससे ऊर्जा निकलती इसी से होती है संवहन। तीसरी जो लेयर्स है उसे बोलते हैं प्रकाश मंडल फोटोस्फेयर,
इससे प्रकाशित होता है विकिरण, जो सोलर इक्लिप्स के समय एक परत दिखाई पड़ती, चारों ओर दिखाई पड़ती परत, उसे बोलते हैं वर्णमंडल, जिसकी चमक दमक लाल होती है, डार्क पिंक फ्लैश होता है, उसे बोलते हैं वर्णमंडल। और सूर्य ग्रहण के समय ही एक आभा चमकती हुई दिखाई पड़ती है, उसे बोलते हैं कोरोना, इसे कोरोना के नाम से पुकारी जाती है। छात्रगण, ऊर्जा की हाइड्रोजन हीलियम में हो गया परिवर्तन, जिससे अपार ऊर्जा का विमुक्त हुआ। ऐसे में इस क्रोड का जो तापमान है वह है 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस, मतलब इस क्रोड का तापमान कितना है जहां से ऊर्जा निकलती है, तो उसका उत्तर होगा 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस। तो प्रश्न है छात्रगण कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है, तो उसका उत्तर होगा 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस, जबकि क्रोड के पश्चात सभा घेरा, फिर प्रकाश मंडल। देखा जाए तो प्रकाश मंडल को ही सूर्य का बाहरी परत माना जाता है, बाहरी लेयर से, जिससे पृथ्वी का डायमीटर व्यास मापी जाती है। छात्रगण, इससे व्यास का होता है निर्धारण, और व्यास है पृथ्वी का 13,92,000, दैट मीन 14,00,000 किलोमीटर, जिसका तापमान है 6,000 डिग्री सेल्सियस। छात्रगण, प्रश्न बहुत सारे परीक्षाओं में आई है कि पृथ्वी के केंद्र का तापमान कितना है, तो उसका उत्तर होगा 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के बाहरी सतह, जैसे बोलेगा बाहरी सतह, वो कहना चाह रहा है फोटोस्फीयर, मतलब 1, 2, 3, पृथ्वी के बाहरी सतह मतलब प्रकाश मंडल का तापमान कितना है, तो उसका उत्तर होगा 6,000 डिग्री सेल्सियस। छात्रगण, हम बता दें कि जो सूर्य है वो सूर्य मंदाकिनी, जिसे बोलते हैं आकाश गंगा, ये आकाश गंगा, इसे दुग्ध मेखला के नाम जानते हैं, और हमारा ये जो सूर्य है वो आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर, आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर हमारा सूर्य, आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है, और उसका एक चक्कर उसे लगाने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। छात्रगण, सूर्य को आकाश गंगा दुग्ध मेखला का चक्कर लगाने में, एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लगता है। इसी 25 करोड़ वर्ष को बोला जाता है ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मोसियर क्या है छात्रगण, तो उसका उत्तर होगा सूर्य दुग्ध मेखला, दैट मीन्स आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर, अब उसका एक चक्कर पूरा करने में जो 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है, उसे ही ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मोस ईयर के नाम से पुकारी जाती है। 25 करोड़ वर्ष मतलब एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर
कितना, तो उसका उत्तर होगा 25 करोड़। 25 करोड़ वर्ष बराबर एक कॉस्मोस ईयर, एक ब्रह्मांड वर्ष। छात्रगण, लेकिन सूर्य दुग्ध मेखला के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस दौरान इस सूर्य का भी घूर्णन होता रहता है। लेकिन आप सोचेंगे जब ये गैसों से भरा है तो घूर्णन कैसा? छात्रगण, मैं यही कहना चाहता हूं, चूंकि गैसों से भरा है तो इसका घूर्णन आपस घूर्णन, आपका उसका अपना घूर्णन फिक्स नहीं है। केंद्र पर जो इसके गैसेस हैं वो 25 दिन में ही पूरा कर लेते हैं, जबकि बाहरी वाले जो गैसेस हैं, खासकर ध्रुवीय क्षेत्र वाले जो गैसेस हैं, उनका घूर्णन काल 35 दिनों का होता है। तो छात्रगण, आप ये देखिए कि इसका मध्य भाग का घूर्णन काल, रोटेशन टाइम 25 दिन का है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्र का घूर्णन काल 35 दिन का भी है। मतलब इसका घूर्णन काल एग्जैक्ट नहीं है, इसीलिए ऐसा है क्योंकि सूर्य मुख्य रूप से गैसों से मिलकर ही बना है। छात्रगण, आप यह भी देखिए कि ये जो सूर्य है उस सूर्य के मध्य में आसपास जहां तहां काले स्पॉट धब्बे भी दिखाई पड़ते हैं। वो काले स्पॉट जो वो ब्लैक स्पॉट है वो क्या है? तो सूर्य के मध्य के आसपास जहां तहां काले धब्बे हैं वो क्या है? काले धब्बे गैस का एक खोल है, खोल, होल ऑफ गैसेस। तो वास्तव में वो धब्बे है नहीं, वास्तव में वह सूर्य के चारों ओर चलते हुए गैस का एक होल है, और वो होल का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस अपने आसपास के टेम्परेचर से कम है। छात्रगण, सूर्य के जहां तहां जो काले धब्बे हैं वो काले धब्बे क्या है? तो वो सूर्य के वास्तव में काले धब्बे नहीं है, वास्तव में ब्लैक स्पॉट नहीं है, वास्तव में ये गैस का होल है जिसका तापमान अपने आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम है, 1500 डिग्री सेल्सियस। तो छात्रगण, ब्लैक स्पॉट क्या है? तो उसका उत्तर होगा वह गैसों से भरा एक होल है, और वह होल का तापमान अपने आसपास के एरिया से 1500 डिग्री सेल्सियस कम है। छात्रगण, हम बता दें आपको, जैसा कि आपने जाना कि हमारा सूर्य जो सौर मंडल का पिता है, जिसे फादर ऑफ सोलर सिस्टम कहते हैं, 2006 से पहले एक सम्मेलन हुआ, और सम्मेलन था उसे बोलते हैं प्राग सम्मेलन। 2006 में एक प्राग में सम्मेलन हुआ और उसे मान लिया गया कि प्लूटो ग्रह की मान्यता खत्म कर दी जाए। दैट मीन्स 2006 से पहले ग्रह कितने थे? तो उसका उत्तर 9 है, लेकिन वर्तमान में ग्रह कितने रह गए? तो उसका उत्तर होगा 8 है। उसी सम्मेलन में बताया गया, बोला गया कि सोलर सिस्टम के जितने बॉडीज हैं सूर्य को छोड़कर, उस बॉडीज को 3 भाग में बांटा जाएगा। पहला होगा क्लासिकल प्लैनेट्स, परंपरागत ग्रह। तो ग्रह कितने हैं वर्तमान में? तो 8 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि,
अरुण, वरुण। तो ग्रह अब नहीं रह गए नौ, अब रह गए आठ। कौन सी ग्रह की मान्यता खत्म कर दी गई? तो उसका उत्तर होगा प्लूटो। प्लूटो को अब बौना ग्रह, प्लूटोन्स की संज्ञा दी गई। तो वर्तमान में ग्रह कितने रह गए? तो आठ रह गए। उसके बाद ये बोला गया एक अन्य बॉडीज है जिसे बोलते बौना ग्रह, इसे अंग्रेजी में बोलते प्लूटोन्स। इसमें सेरस, जेना, सिरिस इत्यादि छोटे छोटे पिंड को रखा गया। लेकिन एक अन्य स्मॉलर पिंड भी है, स्मॉलर बॉडीज भी हैं, उसे बोला गया लघु ग्रह। इसमें शामिल है सेटेलाइट उपग्रह को, क्षुद्र ग्रह, कॉमेट्स, उल्का पिंड। किसमें रखा गया? तो लघु ग्रह में रखा गया। तो छात्रगण, जैसा कि हम बताना चाह रहे हैं कि ये सूर्य ग्रह, बौना ग्रह, लघु ग्रह, जो चार ये भाग हैं, इसमें से जैसे छात्रगण आप इस मैप पे ध्यान दीजिए कि जैसे ये सन है, तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह का क्रम है। पहले बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये है बुध, ये है शुक्र, ये है पृथ्वी, ये है मंगल, और ये चार है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। छात्रगण, पृथ्वी से सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। दैट मीन्स मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, कहने का अर्थ है यूरेनस और फिर नेपच्यून। किसकी मान्यता खत्म कर दी गई? तो उसका उत्तर होगा प्लूटो की मान्यता खत्म हो गई। छात्रगण, उस प्राग के सम्मेलन में बोला गया कि ये सौर सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में ये ग्रह ये हैं, इनको परंपरागत ग्रह, क्लासिकल प्लैनेट्स के नाम से पुकारी जाती है। इसमें से जो प्रथम चार ग्रह हैं, फर्स्ट फोर प्लैनेट्स, वो कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इन ग्रहों, इन चार ग्रहों को बोला गया आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह, और इसे बोला गया बाह्य ग्रह। देखिए छात्रगण, परंपरागत ग्रह आठ है, फर्स्ट फोर जो है वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और लास्ट फोर है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। प्रथम चार ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं, अन्य चार को बोलते हैं बृहस्पति ग्रह, इसी बाह्य ग्रह। इन चार आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह के नाम से भी पुकारते हैं, पार्थिव, इसे पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, यह आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, और इन चार को बृहस्पति ग्रह भी कह पुकारे जाते हैं, बृहस्पति ग्रह। आंतरिक ग्रह बोलिए या पार्थिव ग्रह बोलिए, बाहरी ग्रह बोलिए, आउटर बोलिए प्लैनेट्स, या बृहस्पति ग्रह बोलिए, ये कहने का मीनिंग क्या है छात्रगण? कहने का ये अर्थ है जो प्रथम चार ग्रह हैं वो आकार में छोटे भले ही हैं, भले छोटे हैं,
लेकिन हैवी एलिमेंट्स भारी तत्वों से बने हैं समान रूप से। प्रथम चार ग्रह आकार में भले ही छोटे हैं लेकिन भारी तत्वों से बने हैं, और ये बृहस्पति, ये जो चार ग्रह हैं वो पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, तो नाम पड़ गया पार्थिव ग्रह। जो चार जो अंतिम ग्रह हैं उसे बोला गया आउटर प्लैनेट्स, और इन चार ग्रह जो ग्रह हैं वो चार ग्रह आकार में भले ही बड़े हैं। छात्रगण मैप देखिए, ये छोटा फिगर है, ये बड़ा फिगर है। अंतिम चार ग्रह जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन चार को बोला गया आउटर प्लैनेट्स, बाहरी ग्रह। ये आकार में भले ही बहुत बड़े हैं लेकिन बहुत ही हल्के तत्वों से, लाइट एलिमेंट से बने हैं, मुख्य रूप से ये गैसेस से ही बने हैं। और ये बृहस्पति इनका मुख्य ग्रह है, उनसे मिलते जुलते हैं, अतः इन बाहरी ग्रह को बृहस्पति ग्रह के नाम से भी पुकारी जाती है। तो छात्रगण, इस चैप्टर को हम चार पार्ट में खत्म करेंगे। सोलर सिस्टम को चार भाग बांटेंगे, एक सूर्य, एक परंपरागत ग्रह दैट मीन्स ग्रह, एक बौने ग्रह प्लूटोन्स, और एक लघु ग्रह स्मॉल बॉडीज। और इन चारों को क्रम से रखेंगे और इन चारों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। छात्रगण, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती है। ये फिजिक्स का भी एक चैप्टर है, फिजिक्स से पढ़ेंगे आप सोलर सिस्टम, उसका ही भाग है, और ये हमारा भाग भूगोल का भी एक भाग है। छात्रगण, नेक्स्ट क्लास से हम सूर्य के बारे में नंबर ए, फिर ग्रह के बारे में, फिर बौने ग्रह के बारे में, और फिर लघु ग्रह के बारे में आपको नोट्स दिखाया जाएगा। छात्रगण, मैं समझता हूं आप अच्छी तरह से आज सूर्य के बारे में समझ गए होंगे कि सूर्य क्या है, कितने लेयर्स बांटते हैं, किसका क्या तापमान है, क्या डायमीटर है, कितना बड़ा है, कॉस्मोसियर क्या है, किसका चक्कर लगाता है। चक्कर जब लगाता है छात्रगण, मैं बता दूं आपको, मैं बोला कि सूर्य दुग्ध मेखला का चक्कर लगाता है 25 करोड़ वर्ष में, उसे बोलते हैं कॉस्मोसियर। लेकिन जब चक्कर लगाता है तो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से घूमते हुए लगाता है। इतनी स्पीड से घूमने के बावजूद भी उसे 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है, उसे ही कॉस्मोसियर कहते हैं। छात्रगण, मैं समझता हूं आज आप इस क्लास में, इस लेक्चर के माध्यम से सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त किए होंगे। मैं समझता हूं जब आप इसका नोट्स लिखना शुरू करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। छात्रगण, आप तब तक नई ऊर्जा बनाए रखिए, और फिर हम नए ऊर्जा के साथ अगले क्लास में एक बार फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।